महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आज नई मुंबई के सानपाड़ा में श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में मीति क्रिएशंस और युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले के सौजन्य से आयोजित इस महोत्सव में 60 महिलाओं ने अपने विशेष खाद्य पकवानों के साथ हिस्सा लिया। यहाँ 3 विजेता महिलाओं को विधायक मंदाताई मात्रे के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देखिए झलकियाँ। नवी मुंबई के सानपाड़ा में दिख रहा यह नजारा श्रावण महोत्सव 2022 का है, जहां 60 महिलाएं बेच कटलेट श्रेणी में अपने खाद्य पकवानों को पेश करने में जुटी हैं। पाक कला को प्रोत्साहित देने मीति क्रिएशन और युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले के सौजन्य से इस श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया है। परीक्षकों ने आज यहां पकवानों को उनके टेस्ट, डेकोरेशन और पौष्टिकता की कसौटी पर चखते हुए परीक्षण किया। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने भी यहां श्रावण महोत्सव में भेंट दिया और सबका हौसला बढ़ाया। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने परीक्षकों के साथ स्टॉल पर भेंट देते हुए विविध प्रकार के कटलेट्स का जायका लिया और सभी महिलाओं को उनकी अनूठी पाक कला के लिए सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उपहार भेंट दिए। वहीं 3 विजेता महिलाओं को पैठनी साड़ी देकर सम्मानित किया। श्रावण महोत्सव में शामिल प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं में आत्मविश्वास और कुछ नया कर गुजरने का हौसला जागता है। श्रावण महीना शुरू हो रहा है और श्रावण महीने में हमारी महिलाओं के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जैसे मंगलागौर होती है, उसके बाद में कुकिंग का स्पर्धा होता है, गणपति में मोदक का स्पर्धा होता है। तो ये श्रावण का त्यौहार जो है वो मनाने का प्रोग्राम आज हमने सानपाड़ा में रखा है। इस कार्यक्रम का सभी नियोजन समाज सेवक पांडुरंग आमले जी ने किया है और आज ये सब जो महिलाएँ आई है उन्होंने अलग अलग तरीके के सूप, पौष्टिक सूप और ककलेट, अलग अलग भाजियों से, फ्रूट से वगैरह बनाए हुए ऐसे कुकिंग बनाकर सब लेडीज़, कम से कम 100 महिला ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, क्योंकि हम लोग ने एक एरिया दिया था, वो एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लेडीज़ है और लेडीज़ बाहर आना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए। उनमें जो भी खाना बनाने का जो गुण है हमारी माँ में, भाभी में, वो बहुत ही सुंदर बनाते, और आज उन्होंने देखा होगा आपने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके पूरी अपनी डिश को सजाया है और प्रेजेंटेशन दिया है। और मैं तो चाहती हूँ हमेशा अलग अलग प्रोग्राम में ऐसे महिलाओं ने पार्टिसिपेट करके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अपना दिल भी बना रहता है, फ्रेंडशिप बनी रहती है और आने वाले लोगों में हम चर्चा करते हैं और उनके साथ हम फैमिली दोस्त बना सकते हैं। आज देखेंगे आप तो सब एरिया से अलग अलग, सानपाड़ा, तुरबा, नेहरूल, या अलग अलग जगह से वासी से लेडीज़ आई है और यहाँ पार्टिसिपेट किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रावण माने महीने में आने वाले गणपति है और गणपति में मोदक बनते हैं, पूरणपोली बनती है, उसकी भी स्पर्धा हम लगाने वाले हैं, ताकि महिलाएं अपने में जो कला है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले और मिति क्रिएशन के उत्तरा माने ने श्रावण महोत्सव के आयोजन के लिए मार्गदर्शन और सहयोग देने पर विधायक मंदाताई महात्रे का आभार जताया। पांडुरंग आमले ने कहा कि यहाँ जीते हुए प्रतिभागियों को श्रावण महोत्सव की उच्च स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और विजेता बनने पर विदेश टूर के साथ ही कई पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आदरणीय आमदार मंदाताई मात्रे यांच्या मार्गदर्शनानुसार व त्यांच्याच प्रयत्नाने आज इथे श्रावण मास महोत्सव निमित्त महिलांसाठी पाककला स्पर्धा आयोजित केली होती आणि या पाककले स्पर्धेची आज ही प्रथम फेरी आहे। या प्रथम फेरीमध्ये 5 स्पर्धक निवडले जातील आणि ते पुढच्या फेरीमध्ये जातील आणि त्यानंतर त्यांना त्यांच्या कुटुंबासहित दुबईला जाण्याची एक सुवर्ण संधी ताईंनी इथे लाभ सगळ्यांना उपलब्ध करून दिलेली आहे। बेलापूर मतदारसंघात ताई नेहमीच अशा विविध प्रकारचे उपक्रम
आणि विशेषतः महिलांना एक मदत भेटेल किंवा प्रोत्साहन भेटेल अशा प्रकारचे उपक्रम ताई नेहमीच राबवतात आणि त्यांच्याच आदेशानुसार मार्गदर्शनानुसार आम्ही हे उपक्रम इथे राबवत असतो आणि आज खरोखरच अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या उपक्रमाला भेटलेला आहे. बेलापूरपासून ते वाशीपर्यंत ठिकठिकाणाहून इथे महिला अक्षरशः 1:30 आपले पदार्थ घेऊन आलेले आहेत आणि ज्याची टेस्ट आज इथे परीक्षा करत आहेत. थोड्याच वेळात निकाल जाहीर होईल आणि त्यानंतर 5 स्पर्धक पुढे जातील. त्यातूनच अजून उत्स्फूर्त अजून महिलांना एक प्रोत्साहन म्हणून ताईंच्या हस्ते 5 पैठणी साड्या दिल्या जातील आणि 3 पैठणी साड्या व लकी ड्रॉसुद्धा आहे. आणि खरोखरच अशा प्रकारचं जे प्रोत्साहन ताईंकडून भेटतं त्यामुळे आमच्या महिला सर्वच नेहमी अशा प्रकारच्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतात आणि त्यांचं दिवसेंदिवस ताईंवर असलं प्रेम हे वाढत जात आहे. आणि खरोखरच अशा प्रकारचे उपक्रम या पुढील काळातसुद्धा बेलापूर मतदारसंघात पुढे व्हावेत अशीच आमची इच्छा आहे. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.